गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग स्टडी करेंगे नोमेनक्लेचर या IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। सबसे पहले समझिए स्पाइरो कंपाउंड किसको कहता है। स्पाइरो कंपाउंड when two cyclic ring attached at one carbon atom new compound is called spiro compound। क्या लिखे? When two cyclic ring attached at one carbon atom, new compound is called spiro compound। जिसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम लोग, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है। अब इस पॉइंट पे अगर ये अटैच हो गया तो एक ही कार्बन पे अटैच हुआ तो ये कहलाएगा, इसके लिए प्रीफिक्स आएगा स्पाइरो। ठीक है, आएगा स्पाइरो प्रीफिक्स। तो इसमें काउंटिंग जो स्टार्ट होता है, रूल ऑफ नोमेनक्लेचर क्या होगा, काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम शॉर्टेस्ट साइक्लिक चेन टू लॉन्गेस्ट साइक्लिक चेन टू लॉन्गेस्ट साइक्लिक चेन। ठीक है, इसमें काउंटिंग जो कार्बन का करेंगे, कहाँ से करेंगे, काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम शॉर्टेस्ट साइक्लिक चेन टू लॉन्गेस्ट साइक्लिक चेन। ये पहला रूल हुआ। ठीक है, द नंबर आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। क्या लिखे, नंबर ऑफ कार्बन रिटेन असेंडिंग ऑर्डर इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और सब रूल जो होगा इसमें तो दो ही पॉइंट आएगा, उसमें नंबर ऑफ कार्बन दो ही चेन आएगा इसमें, उसमें तीन, इस बाय साइकिलों में तीन चेन आता था, लेकिन यहाँ दो ही चेन आएगा।
ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए साइक्लोपेंटेन बना दिए, साइक्लोपेंटेन है, अटैच कर दिए साइक्लो, हाँ प्रायोरिटी ऑर्डर जो होगा यहाँ पर भी, प्रायोरिटी ऑर्डर जो होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर जो होगा पहले, प्रायोरिटी ऑर्डर होगा पहले शॉर्टेस्ट चेन, शॉर्टेस्ट चेन तब फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, तब देंगे फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी। फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी है, मान लीजिए कि शॉर्टेस्ट चेन भी है मेरा और फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन पर है, तो पहले शॉर्टेस्ट चेन के तरफ से काउंटिंग किया जाता है, प्रायोरिटी ऑर्डर जो होगा शॉर्टेस्ट चेन होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग लिखते हैं। चौथा ऑल एंड फॉलो, प्रायोरिटी ऑर्डर ये होगा, ऑल अदर रूल रूल्स फॉलो एज यूजुअल, ठीक है, और सब रूल पहले जैसा ही फॉलो होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब मान लीजिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, इसमें अटैच हो गया ये, काउंटिंग जो हमेशा होगा शॉर्टेस्ट चेन कार्बन से होगा, लॉन्गेस्ट इस बार नहीं होगा, इसका काउंटिंग हो जाए 1 2 3 4 5 6 7, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है इसमें प्रेजेंट, नहीं देंगे, इसका नाम हो जाएगा स्पायरो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, इधर दो कार्बन है 2, इधर हो गया 4 2 4 हेप्टेन, 2 4 क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा, हेप्टेन। अब मान लीजिए हम लोग ऐसा ले लेते हैं साइक्लो हेक्सेन बना दिए, दूसरा रिंग अटैच कर दीजिए इधर, क्या हो जाएगा काउंटिंग, इधर से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो जाएगा इसका नाम स्पायरो। अब इसमें रूल क्या चलेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स रहेगा, प्राइमरी प्रीफिक्स रहेगा, रूट वर्ड रहेगा, प्राइमरी सफिक्स रहेगा, सेकेंडरी सफिक्स रहेगा, ठीक है, सब रूल वही रहेगा आईपीएससी वाला। स्पायरो इधर है 3 कार्बन, इधर है 5 कार्बन, 3 5 डेकेन, क्या हो गया 3 5 डेकेन हो गया, ठीक है, अरे 3 इधर कितना हो गया जी, 3 4 3 5 नोन एन होगा, नो कार्बन ने काउंट किया, नोन एन, ठीक है। इसी तरह का एग्जांपल बहुत ले सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, जिसे मान लीजिए हम लोग लिए थर्ड एग्जांपल, ये ले लीजिए, मान लीजिए ऐसे ले लिए,
ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है, इसमें अटैच कर दीजिए प्रोपेन। मान लीजिए यहाँ पर दे दिए हम डबल बॉन्ड ओ, कीटोन ग्रुप दे दिए, यहाँ दे दिए मान लीजिए डबल बॉन्ड, यहाँ दे दिए मान लीजिए, यहाँ देते हैं इथाइल दे दिए, तो काउंटिंग जो स्टार्ट होगा। अब फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी सेकेंडरी है, अब काउंटिंग में हम लोग प्रायोरिटी देते हैं चेन को, तो ये हो जाएगा यहाँ से काउंटिंग होगा 1 2 3। अब देखिए इधर भी जा सकते हैं इधर, लेकिन इधर फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है तो इधर से हो जाएगा 4 5 6 7 8। क्या हो जाएगा इसका नाम, सब्स्टिट्यूएंट है क्या नंबर पर 2-ethyl, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स लीजिए स्पायरो, ब्रैकेट के अंदर 2 और 5, 2 और 5 ले लिए। ओक्ट, ओक्ट क्या नंबर पर डबल बॉन्ड है 5-in, 5-in और 4-on, 4-on हो गया, नहीं इसी तरह लिखेंगे ना। अब छोटा भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये लिए, ये सब तो बच्चा वाला टाइप से नाम है, इस सब में कुछ है ही नहीं, इसका कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, जिधर मन है उधर से काउंटिंग कीजिए 4 5। क्या हो गया स्पायरो, स्पायरो इधर भी तो 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, 2 2। उसके बाद पेंट ए एन ई, कोई सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड कुछ नहीं है, नहीं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसका नाम लिखना है तो ये सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये क्लोरो हाइड्रोक्सी मिथाइल है, तो काउंटिंग होगा शॉर्टेस्ट चेन से, शॉर्ट चेन ये है 1 2 3 4। देखिए इस बार जाना होगा फंक्शनल ग्रुप नज़दीक देना है इधर 5 6 7 8, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा 3 क्लोरो 3 क्लोरो 7 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 2 मिथाइल स्पायरो, स्पायरो इधर देखिए 3 कार्बन है चेन में, उधर 4 कार्बन, 3 4। एसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं कार्बन चेन का नंबर ऑफ कार्बन 3 4। ओक्ट, ओक्ट 1 ENE 5 कार्बनडिहाइड, कार्बनडिहाइड इस तरह से नाम होगा इसका, जो है बस IPSC के इस पे पुट कर दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा हल्का भी लेते हैं कंगो बीच में, इसका नाम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है सिर्फ स्पायरो कंपाउंड है, तो स्पायरो प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया, कार्बन इधर 2 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 हेप्टेन हो जाएगा, हेप्टेन ही, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए इसमें हम डबल बॉन्ड देते हैं, इधर मान लीजिए देते हैं इधर,
तो काउंटिंग किधर से होगा, इधर शॉर्टेस्ट चेन इधर ही है, 1 2 3 4 5 6, क्या नाम हो जाएगा, स्पायरो, स्पायरो, उसके बाद इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, 2.5, उसके बाद हेक्स, 4 ENE हो जाएगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, है ना। 8 नंबर जिसे देखिए, एट नंबर मान लीजिए हम लोग लेते हैं इस तरह से, देखिए दोनों में है डबल बॉन्ड में, दोनों में मान लीजिए इथाइलो दे दिए, ऐसे दे दिए, ठीक है। तो काउंटिंग जो होगा, अब देखिए दोनों चेन लेंथ सेम है तब हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं, सीनियर फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल सीनियर फंक्शनल ग्रुप इधर है तो काउंटिंग इधर से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए क्या लेंगे, अब लीजिए इसका नाम कैसे लिखाएगा, सब्स्टिट्यूएंट ये है 4 6 डाई इथाइल, अब तो नहीं बचा, हाँ 9 हाइड्रोक्सी, अब है कि OH इधर काहे नहीं बढ़े, बोल सकते हैं इधर इसलिए नहीं बढ़ रहे कि अल्फाबेटिकली का ई पहले आएगा H से, इसीलिए इधर से बढ़ गए, सब सब तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है, 9 हाइड्रोक्सी, देखिए 4 6 डाई इथाइल 9 हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो स्पायरो, स्पायरो कितना है, इधर भी 4 इधर भी 4, 4 4 4 4, नोना, देखिए 2 गो डबल बॉन्ड है, नोना कहाँ कहाँ, 2 7 डाई ENE पूरा लिखाएगा, ऐसे भी ये कार्बन डाइहाइड है, 1 कार्बन डाइहाइड, देखिए क्या किए, ये सब सब्स्टिट्यूएंट तीनों लिख दिए, पहले 4 6 डाइथाइल 9 हाइड्रोक्सी लिख दिए, स्पायरो इधर भी 4 कार्बन इधर भी 4 कार्बन, 4 4 सेम लेंथ है, 4 4 नोना, 2 गो डबल बॉन्ड है तो ए जोड़ते थे, नोना, 2 7 डाइन 1 कार्बन डाइहाइड, ठीक है। और ले लेते हैं एक आदमी, जिसे ले लेते हैं और अब सब चीज़ हो ही गया, एक के रूल में आता है सब बार बार, कितना बनाइएगा, इसमें तो एक ही पॉइंट पर भी मैच कराना है ना, ऐसे दे दिए, मान लीजिए इधर CO दे दिए, ठीक है। तो काउंटिंग लेकिन होगा शॉर्टेस्ट चेन से ही, ये है बॉन्ड है ऐसे, हाँ तो ये यहाँ से काउंटिंग हुआ 1 2 3, अब इधर चला जाएगा
6 यही हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट है 6 पर, 6 मिथाइल, 6 मिथाइल हो गया। उसके बाद क्या लीजिएगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, स्पायरो, स्पायरो। अब क्या हो जाएगा, इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, 2 3 2 3 हेक्स, वन ईयन, 4 ऑन। ये कीटोन है ने? इस तरह से हम लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ क्लोरो देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, हो जाएगा 2 क्लोरो 2 क्लोरो। ठीक है, 2 क्लोरो स्पायरो, स्पायरो कितना कितना, 3 4 3 4 ऑक्टेन, नहीं ऑक्टेन 8 कार्बन का चेन है, ये हो गया ऑक्टेन। अब देखिए कुछ कंपाउंड इस टाइप का होगा, ये स्पायरो कंपाउंड अब हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कितना बनाते रहिएगा, एक ही चीज़ है सब में, जैसे मान लीजिए 11th भी है, 11th तो लीजिए सब उसने है, कुछ ज़्यादा चेंज पेंज तो होता नहीं है, तो कितना बनाते रहिएगा। जैसे देखिए सब रूल वैसने है, खाली ये चेंज करने के लिए सीख लेना है। ये है ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इसमें दिया है यहाँ पर, इसमें दिया है यहाँ पर, क्या नाम हो जाएगा, यहाँ मिथाइल दिया, ये छोटा चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का है, नहीं 10 नंबर का है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल स्पायरो हो जाएगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, स्पायरो कितना कितना, 4 कार्बन 5 कार्बन 4 5 क्या हो जाएगा, डेका, डेका कहाँ कहाँ, 1 6 डाई इन, नहीं हो जाएगा, इस तरह से बनाइएगा। अब देखिए और ले लेते हैं, तो भर देते हैं बोल, क्या हो जाएगा इसका नाम, मान लीजिए इधर ओ एच है, इधर सी ओ है, सेम चेन लेंथ है, तब काउंटिंग इधर से होगा, होगा ना, तो कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या हो जाएगा, 7 हाइड्रोक्सी, 7 हाइड्रोक्सी स्पायरो,
इधर भी फोर फाइव, इधर भी फाइव फाइव फाइव, ठीक है, फाइव फाइव। और अन डेक ए एन वन ऑन अन डेक ए नो ऑन, ये हो गया नाम। तो इस तरह से हम लोग स्पायरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देख लीजिए, देख लिए। अब इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना भी है एल्केन एल्कीन अल्काइन फंक्शनल ग्रुप के साथ, बायसाइक्लो कंपाउंड साइक्लो कंपाउंड स्पायरो कंपाउंड, सबका आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, और एक वीडियो बना देंगे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टाइप का, उसके बाद आप लोग इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना कोई भी बुक लीजिए, सब में तो कंसेप्ट एक ही फॉलो करना है, कोई टफ तो होता नहीं है नोमेनक्लेचर में। बस पांच चीज़ याद रखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर क्या आ जाता है, ऑल अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एंड प्रीफिक्स नेम ऑफ जूनियर फंक्शनल ग्रुप विथ पोजिशन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, प्राइमरी सफिक्स के अंदर है, प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर तीन ही चीज है, साइक्लो बायसाइक्लो स्पायरो। रूट वर्ड में तो एक से 20-50 तक कम से कम याद रखिए, 20 तक कम से कम। सी वन को मीथ कहते हैं, सी टू को ईथ कहते हैं। नहीं, प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड है तो कोई पोजीशन नहीं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का विथ पोजीशन लेते हैं, और सबसे जो सीनियर ग्रुप होता है उसका हम लोग सफिक्स नेम लेते हैं। अगर उसमें भी कार्बन काउंटिंग नहीं होता है तब उसके लिए स्पेशल वही कार्बनडिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड सब पुट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग देखेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, लिंक फ्रेंड में शेयर कर देंगे। थैंक यू।